बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि HTML के ट्यूटोरियल चल रहे हैं और आज के लेक्चर में हम वीडियो टैग के बारे में पढ़ेंगे कि वीडियो टैग क्या होता है, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट है और उन एट्रीब्यूट की क्या क्या वैल्यूज़ हैं और इसके मकसद क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। अगर आप हमारे साथ HTML के ट्यूटोरियल्स में नए जुड़े हैं और प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फैसल रहमान एंड वेलकम टू एयर सॉल्यूशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और HTML को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, आज हम वीडियो टैग करेंगे जिसका मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का वो पहले बना लिया ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वीडियो टैग जो है होता क्या है। इसका एक ही एट्रीब्यूट है जो DIR है, यानी कि डायरेक्शन, और उसकी टू वैल्यू है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो टैग लगा लूँगा। अब इसको मैं क्लोज कर लूंगा वीडियो को, इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ AR सॉल्यूशन ठीक है। अब इसको कंट्रोल S करता हूँ और ब्राउजर को खोलता हूँ, कंट्रोल R करता हूँ, तो ये देखिए ये सिंपल AR सॉल्यूशन डेस्क आ गया। अब इसमें इसका एट्रीब्यूट यूज करता हूँ डायरेक्शन का, तो उसके लिए DIR ठीक है, इसका डबल कोट के अंदर मैं फर्ज करें सबसे पहले लेफ्ट टू राइट कर देता हूँ, LTR का रख लेता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, अब कंट्रोल R करता हूँ, तो देखें दोस्तों नॉर्मल ही है, वैसे इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट है नॉर्मल। अब इसका एट्रीब्यूट मैं चेंज करता हूँ, इसको राइट टू लेफ्ट कर लेता हूँ RTL, अब कंट्रोल S करता हूँ, ब्राउजर में आता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये देखें दोस्तों उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, उल्टी हो गई है ठीक है। इस तरह से हम वीडियो टैग का यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।